प्रयागराज के यमुनानगर क्षेत्र में बड़े खुलासे के चलते हथियार बनाने वाले गिरोह के फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। पूरी कार्रवाई के दौरान प्रयागराज के नैनी क्षेत्र के रहने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और दबिश के दौरान एक खरीदार को भी गिरफ्तार किया गया है। इस विषय में जानकारी देते हुए DCP यमुनानगर अभिनव त्यागी ने बताया कि मैं मुखबिर की सूचना पर प्रयागराज SOG और नैनी थाने की फोर्स ने अरेल इलाके में अवैध रूप से चल रहे हथियारों की फैक्ट्री पर छापा मारकर 4 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें से एक व्यक्ति हथियारों का खरीदार था। उनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अभी तक उन्होंने 20 से ज्यादा आवेदक को हथियार बेचा है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा एवं बिहार के मुंगेर से हथियार एवं हथियारों का सामान लाकर यहाँ कुछ तरीके से हथियार तैयार करते थे तथा अपराधियों को बेचा करते थे। इनके द्वारा दिए गए बयान के आधार पर अभी अन्य खरीदारों एवं इनको सामान मुहैया कराने वाले लोगों को चिन्हित कर ढूंढा जा रहा है और जल्द ही उनकी गिरफ्तारी कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर क्या करना है, कैसे कार्रवाई? श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा आगामी माघ मेला, राम मंदिर उद्घाटन एवं 26 जनवरी के लिए जो ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा था, उसमें थाना नैनी के अंतर्गत थाना नैनी एवं SOG की टीम को बड़ी सफलता मिली है। एक अवैध असले बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें वो ना ही केवल लोकल लेवल पे असले बनाते थे बल्कि मध्य प्रदेश एवं बिहार से ऑटोमेटिक पिस्टल भी रिकवर करते थे। पूरी बरामदगी में 3 अवैध 32 बोर पिस्टल स्वचलित, 5 अवैध तमंचे 315 बोर एवं 5 अवैध तमंचे 12 बोर एवं लोकल लेवल पर अवैध असले बनाने के अन्य उपकरण मिले हैं जिन्हें बरामद कर लिया गया है। इसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें 3 अभियुक्त वहाँ फैक्ट्री का संचालन एवं असले लाने का काम करते थे एवं 1 अभियुक्त वहाँ असले खरीदने आया हुआ था। इनका नाम नागेश पांडे पुत्र चंद्रवली पांडे, जिलानी मंसूरी पुत्र सतई मंसूरी, नसीम उर्फ सुल्तान बाबा एवं ब्रह्मदीन विश्वकर्मा पुत्र रामचंद्र विश्वकर्मा है। इनसे डिटेल में पूछताछ की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। इस पर मुकदमा अपराध संख्या 22/2024 थाना नैनी पंजीकृत है और इसमें फास्ट ट्रैक करके जल्दी सजा मिलेगी। इससे पहले इनके द्वारा और भी मतलब किया गया संचालन या फिर हाल ही में किया गया? इसकी पूछताछ जारी है और जैसे ही पूछताछ जो भी निकल के आता है उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी। ठीक, आप भी बनवाना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड तो आपके लिए पेटीएम लाया है पेटीएम को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, पेटीएम SDFC और पेटीएम SBI रुपए क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करें और उसके सारे प्रोसेस को फॉलो करें। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।